बीएसपी चीफ मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन की घोषणा करते ही अब उत्तर प्रदेश के हर राजनीतिक दल में एक होड़ सी लग गई है कि दिखाने के लिए कि कौन ज्यादा हितेशी है ब्राह्मण समुदाय के लिए। इस सिलसिले में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो चुकी है। वैसे तो हर बार ही समाज में अपने वर्चस्व के कारण ब्राह्मण समुदाय इलेक्शन में महत्वपूर्ण होता ही है, परंतु इस बार आने वाले चुनाव के लिए घोषणाएं और वादे सार्वजनिक तौर पर हो रहे हैं। ज्यादातर मीडिया में यूपी चुनाव को या किसी भी चुनाव में बहस इस बात पर होती है कि कौन दलित, ओबीसी या मुस्लिम किस समुदाय के लिए, किस पार्टी के लिए वोट करेगा, किंतु इस बार उत्तर प्रदेश के 11% आबादी के ब्राह्मण समुदाय को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। एटलीस्ट सार्वजनिक तौर पर अभी तो ऐसा ही लग रहा है। ये एक नज़रिए से देखा जाए तो बढ़िया बात भी है, क्योंकि हर बार केवल शोषित समुदायों का ही विश्लेषण होता है मीडिया में, उनके नाम पर सम्मेलन या चर्चाएं होती हैं। अब वर्चस्वधारियों के नाम पर भी होना चाहिए सम्मेलन और विश्लेषण। तो देख लेते हैं कि सारी पार्टियां आखिर क्या क्या कर रही हैं या बोल रही हैं ब्राह्मण समुदाय को लुभाने के लिए। पर उससे पहले एक छोटी सी अपील कर दें आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल की ताकत आप ही हैं, हमारी ताकत को और बढ़ाइए। तो सबसे पहले तो बीएसपी को ही देखे तो बहन जी की अयोध्या में शुरू हो रहे ब्राह्मण सम्मेलन की घोषणा के बाद से जैसे सत्ता के गलियारों में उथल पुथल सी मच गई। खबर में ये भी आया है कि बीएसपी के सतीश मिश्रा एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के परिवार की 17 वर्षीय खुशी दुबे का केस लड़ेंगे, जो अभी जेल में बंद हैं। पिछले साल भी बीएसपी चीफ ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो परशुराम के नाम पर अस्पताल बनाएंगी। तो कई लोगों ने तो कहा है कि चुनाव को देखते हुए ये एक मास्टर स्ट्रोक है। आखिर 2007 में भी यही कहा जा रहा था कि बहन जी सर्वजन का नारा देकर ही सत्ता में आई। कहीं और से ये भी आवाज उठ रही है कि बीजेपी की हिंदुत्व की चाल चल रहे हैं। ऐसे भिन्न भिन्न विचारों की डिबेट हो रही है, पर जैसा मैंने पहले ही कहा आपको कि ब्राह्मण समुदाय को इलेक्शन वोट बैंक की तरह स्पॉटलाइट में लाने के लिए इस घोषणा को श्रेय जरूर दिया जा सकता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी नेता अभिषेक मिश्रा द्वारा सपोर्टेड भगवान परशुराम ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में परशुराम मंदिर बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। अभिषेक मिश्रा जो हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि मंदिर बनने के बाद वो परशुराम की 108 मीटर लंबी प्रतिमा भी बनाएंगे। उन्होंने मीडिया को याद दिलाया कि 1993 में सपा की सरकार ने ही परशुराम के जन्मदिन पर छुट्टी का ऐलान भी किया था। उन्होंने मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन की आलोचना करते हुए ये बात तक कह दी कि उनके कार्यकाल में ब्राह्मणों पर SC ST एक्ट में झूठे केस दर्ज होते थे। ऐसे कुछ बयान दे रहे हैं सपा के लीडर्स। और बीजेपी पर आए तो बीजेपी पर थोड़ा दबाव जरूर है ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर, खासकर जब से गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब से यही बात हो रही है कि ब्राह्मण समुदाय बीजेपी से नाराज है। पर बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। हाल ही में हुए प्रधानमंत्री की कैबिनेट फेरबदल में यूपी के अजय कुमार मिश्र को जगह मिली। जितिन प्रसाद जो ब्राह्मण चेतना परिषद चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के मिनिस्टर, MP, MLA मंदिरों में घूम घूम कर संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। बीजेपी मंत्री उमेश द्विवेदी ने कहा कि वो गरीब ब्राह्मणों के लिए कई स्कीम्स भी लाने वाले हैं। तो बीजेपी तो कई सारी स्कीम्स ला सकती है, पर कांग्रेस का क्या? कांग्रेस का तो केवल एक ही चीज कहना है कि उन्होंने ही केवल उत्तर प्रदेश को ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर दिया है लेट NDतिवारी, जो यूपी में कांग्रेस की आखिरी सरकार के मुख्यमंत्री थे। तो एक टाइम था जब कांग्रेस के साथ होते सारे ब्राह्मण, अब ज्यादातर ब्राह्मण बीजेपी के साथ थे पिछले इलेक्शन में यूपी के। इस बार देखने में मज़ा आएगा या इस बार देखने में काफ़ी दिलचस्प होगा कि ब्राह्मण वोट बैंक, और इस विश्लेषण में भी मज़ा आएगा कि, और मीडिया में भी देखेंगे हम, गोदी मीडिया में, मेनस्ट्रीम मीडिया में अब ब्राह्मण वोट बैंक, ब्राह्मण विश्लेषण की कितनी बातें होती हैं। तो देखा जाएगा ब्राह्मण समुदाय कैसे वोट देता है, किसे वोट देता है। हम सब जानते हैं कि भारत के समाज में संसाधनों पर कब्जा ब्राह्मणों का रहा है, तो अब से मीडिया में ब्राह्मण
वोट बैंक भी होगा। साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। उत्तर प्रदेश चुनाव चलते ये बहुत ही गहरी न्यूज़ है, बहुत ही आजकल जो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा। साथ ही में हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।